नमस्कार, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं न्यूज 24 का राजस्थान यूट्यूब चैनल। अयोध्या में राम मंदिर पर सुनवाई की आखिरी तारीख आ गई है और 17 नवंबर से पहले पहले फैसला आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जहां अयोध्या में एक बार फिर खुशियां लौट आई है, वही न्यूज 24 को एक ऐसा राम भक्त मिला है जिसकी कहानी सुन आप भी राम भक्ति में लीन हो जाएंगे। ये है राजस्थान के जयपुर जिले में रहने वाले संगीतकार शरद माथुर। इनकी आजीविका ही कला और संगीत है। इनके बच्चे सभी किसी न किसी नौकरी में लगे हुए हैं। शरद माथुर खुद को राम का बड़ा भक्त बताते हैं। इन्होंने करीब 6 साल पहले अपनी उम्र के लोगों के लिए एक सुंदर कांड लिखा था जिसे आसानी से बुजुर्ग लोग भी पढ़ सके। इसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2014 के आम चुनाव की तैयारी में जुटे थे, उस वक्त उनसे प्रेरणा लेकर और उनका भरोसा जताते हुए रामचरितमानस लिखना शुरू किया ताकि उसे अपने जीते जी अयोध्या के राम मंदिर में रखवा सके। शरद बताते हैं कि इस 150 किलो के 3000 पन्नों में तैयार हुए रामचरितमानस को उन्होंने इसलिए बनाया है ताकि इसे कभी राम जन्मभूमि में जाकर स्थापित कर सके और लाखों लोगों को प्रेरणा दे सके। क्या वजह थी ये पूरा लिखने का? पहली तो राम भक्ति, दूसरी हम सुंदरकांड जब भी करते थे तो इसके बुक जो है बहुत छोटी होती थी जिससे कि अक्षर हिलते थे, मतलब आई साइट थोड़ी वीक होने की वजह से, या मेरी उम्र के जो भी आदमी होते हैं उनको सुंदरकांड पढ़ा नहीं जाता है। तो मेरा पहला उद्देश्य ये था कि इस सुंदरकांड को मैं बड़े अक्षरों में लिखूं, बहुत बड़े अक्षरों में लिखूं ताकि 100 वर्ष का व्यक्ति भी बड़ी आसानी से इसको पढ़ सके। ये मैंने 2014 और 2013 के बीच में लिखना चालू कर दिया था। हाँ, 6-6.5 साल हो गए। 6 साल तकरीबन हो गए। 6 साल हाँ, कुछ बिगड़ा भी है इसमें, 100-200 पेज बिगड़े भी हैं। तो पर पेज मतलब एक दिन के मैं 1.5 पेज लिख सकता हूँ 3 घंटे में, 1.5 या 2 पेज। आगे बस जीवन का एक ही लक्ष्य था कि इसको मैं अयोध्या कभी मंदिर बने राम का, और बनेगा ही, तो मैं बस वहाँ पे भेंट करना चाहता हूँ इसको, राम मंदिर में इस चीज़ को वहाँ स्थापित करना चाहता हूँ ताकि और को भी प्रेरणा मिले इस रामायण की। ये आपकी दिली इच्छा? हाँ, ये इच्छा है। जीवन में रहते रहते ये तो गलत चल गया। अच्छा, दूसरा, आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिलने की इच्छा जताई है? हाँ जी, हाँ जी। मेरी इच्छा है कि जब मैं लिखना 14 के आसपास 13 के आसपास प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के चांस थे, तो मैंने ये सोचा था कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो अपना ये राम मंदिर भी अवश्य बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं था। तो सुंदरकांड लिखने के बाद में ही मेरे को ये रामायण लिखने की प्रेरणा हुई कि अगर ये प्रधानमंत्री बन गए और बने फिर, तो मेरी और प्रेरणा मजबूत हो गई, इच्छा शक्ति और मजबूत हो गई और मैंने इसको लिखने की ठान ली। आपको बता दें, शरद ने इस ग्रंथ को पूरा करने में लगभग 6 साल लगाए हैं। इसे हर रोज 3 से 5 घंटा खुद लिखा है। इस हस्तलिखित ग्रंथ की एक और खासियत है, इसे ऑयल पेंट के जरिए लिखा गया है। साथ ही इसके लिए शरद को अपने परिवार और आस पड़ोसियों से बेहद हिम्मत की भी जरूरत पड़ी। आप लिखते किस चीज से इसको? ये ऑयल पेंट है, ये ब्रश है, 4 नंबर की ब्रश आती है छोटी, ये ऑयल पेंट है जो अपन कलर वालर करते हैं उसका, और इससे मैं लिखता हूँ। राम भक्ति में इतने लीन हो गए, आपने पूरी रामचरितमानस से लिख डाली। टोटल कितने पेजों की है? ये 3000 पेज है, अबाव भी हो सकते हैं थोड़े और थोड़े कम भी हो सकते हैं, 150 बस इतने। और कितना वजन होगा इसका? 150 किलो के आसपास है। कितने इसके पार्ट, मतलब कितनी बुक्स बन चुकी है टोटल? इसके पार्ट बन गए हैं 21 पार्ट बने हैं। तो अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने जितना हो सके दोस्तों तक इसे पहुंचाएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।